हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ समरन रियाज आई एम फ्रॉम पीसीसीपी डिवीजन रेजोनेंस हमने एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करी थी हमारे चैप्टर का नाम था कम्युनिकेशन कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मास मीडिया व्हाट डू यू मीन बाय मास मीडिया सबसे पहले हम बात करते हैं मास मीडिया होता क्या है वेन अ मैसेज हैज़ टू बी कन्वे टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स एट द सेम टाइम द मास मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल जब किसी मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुँचाना है ठीक है अ नंबर ऑफ पीपल किसी एक मैसेज को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना है तो उसे हम क्या बोलते हैं मास मीडिया मतलब मास मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ठीक है इट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिसीव द सेम इंफॉर्मेशन एक कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू बहुत सारे लोग सेम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं ओके न्यूज पेपर रेडियो टेलीविजन एंड सिनेमा आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम ऑफ मीन्स ऑफ सेम कम्युनिकेशन मतलब कि हम बात कर सकते हैं जैसे हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है तो न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है न्यूज़पेपर में कोई भी हेडलाइंस आती है सब तक पहुँचती और कम्युनिकेट हो जाता है कि हाँ किस जगह पे क्या चीज़ें हो रही है सब लोगों को पता लग जाता है नेक्स्ट हम बात करते हैं मैगजींस मैगजीन के थ्रू भी हमें आइडिया लग जाता है बेसिकली क्या हमें कम्युनिकेट करना है सब लोगों तक पहुँचानी किसी बात को तो हम मैगजीन में पब्लिश कर देते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडियो थ्रो रेडियो हम बहुत सारी चीज़ों को ट्रांसफर करते हैं बताते हैं कि क्या चल रहा है ठीक है रेडियो से भी हम इंफॉर्मेशन मिलती है कम्युनिकेट करते हैं एक बात को हम सौ लोगों तक पहुंचा देते हैं नेक्स्ट है टेलीविज़न एंड सिनेमा टेलीविज़न एंड सिनेमा के थ्रू भी हम मास मीडिया का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल मतलब यूज़ कर लेते हैं जैसे कि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं किसी बात को हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है सब तक पहुंचानी है तो हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं ओके okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं द टर्म मास मीडिया वाज क्वाइंट इन द नाइनटीन विद द बिगनिंग ऑफ नेशन वाइड रेडियो नेटवर्क्स एंड मास सर्कुलेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स नाइनटीन की बात करते हैं जब इसकी बिगनिंग हुई थी मतलब स्टार्टिंग हुई थी तब से लेके आज तक ये डे बाई डे इंक्रीमेंट हो रहा है डे बाई डे इस चीज़ का बहुत पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स की जैसे कि हमने बात करी मास मीडिया में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़ पेपर एंड मैगजीन्स आर पब्लिकेशन कंटेनिंग न्यूज वीवस एडवर्टाइजमेंट एंड इंफॉर्मेशन अबाउट इवेंट ऑफ द वर्ल्ड न्यूज़ पेपर टेलीविजन के थ्रू हमें बेसिकली पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कौन सा इवेंट हो रहा है जैसे हम बात कर सकते हैं वर्ल्ड कप की तो बेसिकली इससे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हाँ कौन सी पार्टी की बात कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी इंफॉर्मेशन मिलती है प्लस अगर वर्ल्ड कप की अगर हम बात करते हैं कैरी ऑन करते हैं उस चीज़ पे तो हाँ कौन कौन सी कंट्रीज वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करी कौन विनिंग है कौन लूजिंग है ठीक है तो सारी चीज़ें हमें किसके थ्रू पता लग जाती है न्यूज़पेपर के थ्रू पता लग जाती है दीज आर द प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एट अ वेरी लो प्राइस प्रिंटेड मीन मतलब लिखा हुआ ठीक है ये मास कम्युनिकेशन का वो रूप है जो लिखा हुआ होता है प्रिंटेड फॉर्म में होता है किस चीज़ का कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है वो किसी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए ठीक है ऑल्सो दे आर अवेलेबल इन ऑलमोस्ट ऑल द लैंग्वेजेज़ और न्यूज़पेपर हमें सारी लैंग्वेज में प्रोवाइड होता है जैसे कि हम बात कर सकते हैं अगर कहीं पर गुजराती लैंग्वेज यूज़ होती है तो गुजराती में भी न्यूज़पेपर पब्लिश होता है कहीं पर हिंदी कहीं पर हड़ौती कहीं पर कोई सा भी अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है तो पब्लिक भी न्यूज़ पेपर अलग अलग लैंग्वेज में पब्लिश होता है न्यूज़ पेपर विच ब्रिंग करंट न्यूज़ एवरीडे हर दिन की न्यूज़ हमें मिल जाती है किसके थ्रू न्यूज़ पेपर के थ्रू आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द एजुकेटेड पीपल दे गिव अस न्यूज़ फ्राम अक्रॉस द ग्लोब बेसिकली सारी दुनिया की इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर में मिल जाती है ठीक है प्रिंटेड फॉर्म में होती है हम उसको सेव करके रख सकते हैं दूसरी चीज़ हमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें डे टू डे की इंफॉमेसन मिल रही है हमें क्लाइमेटिक चेंज की इंफॉर्मेशन मिल, मिल रही है सारी चीज़ों की इंफॉमेसन हमें न्यूज़पेपर टेलीविजन के थ्रू मिल रही है बेसिकली और हम बात कर सकते हैं मैगजीन और न्यूज़ पेपर की तो इसमें क्या होता है वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कि दुनिया में हर एक कोने से कुछ चीज़ें हो रही है दैट मीन्स कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो न्यूज़पेपर में या मैगजीन्स में हमें उस चीज़ की इंफॉमेशन मिल जाती है ये देखो आपको न्यूज़पेपर का पिक्चर है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन इनको प्रिंटेड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन माना जाता है किस किस को न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स को ये हमारा आज का टॉपिक था बाकी के नेक्स्ट टॉपिक की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं थैंक यू सो मच